नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत की जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको समय समय से मिलती रहें। जैसा कि मित्रों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यूपी टेट से संबंधित। यूपी टेट का जो प्रमाण पत्र है आजीवन मान्य करने की जो है तैयारी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है। यह खबर प्रमुखता से सभी न्यूज पत्रों में छाई हुई है। यूपीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी शुरू। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब जो है अगली शिक्षक भर्ती आने से पहले फरवरी महीने में उम्मीद है कि टेट की परीक्षा कराई जाएगी। इस टेट की परीक्षा में यह उम्मीद की जा रही है कि जो सर्टिफिकेट होगा टेट का, वह सी टेट की सर्टिफिकेट की ही तरह पूरे जीवन मान्य कर जाएगा, यानी आजीवन मान्य होगा। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि इस बार के टेट में मान्य होगा। हालांकि अभी पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं या पिछला जो टेट हुआ है उसमें क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात या दूसरी अपडेट जो निकल के आ रही है, जो नया विज्ञापन है आएगा TGTPG का, उसमें उन सभी अभ्यर्थियों को सारे डॉक्यूमेंट पहले ही बनवा लेने पड़ेंगे, जिससे कि उनको फॉर्म भरने में सहूलियत हो, जैसे आय, निवास, जात आदि के सर्टिफिकेट। इस नाते आप सभी मित्र जो है इसको बनवा करके तैयार रहें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अगली सूचना निकल के आ रही है मित्रों CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के। जो CBSE बोर्ड है वो जल्द ही अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा और पिछली बार की तरह ही नहीं, इस बार जो है सारी परीक्षाएं समय से कराई जाएंगी, कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोरोना काल में उनको छूट दी गई थी, वैसी कोई छूट मिलने वाली नहीं है। तो जो भी CBSE के अभ्यर्थी हैं वो परीक्षाओं की उचित तैयारी करते रहें। अगली सूचना रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार। जैसा कि आप जानते थे, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग एक नए आयोग के गठन करने की बात कही गई थी। अब इस आयोग का मसौदा तैयार कर लिया गया। प्रदेश में बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार कर लिया गया है। शासन ने मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री के समक्ष पेश भी किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद यह जो प्रस्ताव है आगे की प्रक्रिया की तरफ बढ़ जाएगा और उम्मीद है कि जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है तब तक यह जो आयोग है वह बन के तैयार ही हो जाए। तो इस तरह से आप सभी अभ्यर्थियों को यह सूचित करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपनी तैयारी यथा उचित रखें, ताकि जो भी शिक्षा चयन के नियम नए बन रहे हैं उसमें आप खरे उतरे और आप जो है जॉब प्राप्त कर सकें। अगली सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से अध्यापक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने का दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची यदि काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिंपल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति ने यह आदेश जारी किया। इससे उन सभी अभ्यर्थियों के जिनकी की 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रमाण पत्र आदि से संबंधित त्रुटियां हुई हैं उनको एक अवसर प्राप्त हो सकता है और आयोग इस पर कुछ आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी किया गया है। अगली सूचना मित्रों आ रही है नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 37,339 पदों पे भर्ती होनी है उससे संदर्भित करके यह सूचना निकल के आ रही है। पहली जो भर्ती हुई है उसमें ST SC का जो आरक्षण लाभ मिला है उसका एक सीक्वेंस बनाया गया था, वह सीक्वेंस अब जो है बदल जाएगा। कारण है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो लिस्ट जारी हुई थी उसके हिसाब से हर वर्ग के लिए, यानी हर जो जाति है उसको उसके अनुसार उसके परसेंटेज के अनुसार रखा गया था, और वह जो सिस्टम है अब जो है बदल जाएगा नई भर्ती में, क्योंकि यह दो भाग में भर्ती हो गई।
नए जिला आवंटन सूची जारी करते ही आरक्षण का जो पेज है वो फंस जाएगा। वजह एसटी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थी पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष रहे हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में न होने पर विवाद फिर से पैदा हो जाएगा और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची जो होगी चयनिकों को बाहर होनी पड़ सकती है। परिषद अब फिर से 1 जून से जारी करेगा 67,867 सूची। काउंसलिंग कराए तब जाकर के विवाद जो है थम सकता है। हालांकि देखिए आयोग क्या करता है, हाईकोर्ट से चल रही है सुनवाई। शिक्षक भर्ती के 31,277 अभ्यर्थियों की सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और जिसकी वजह से वहाँ सुनवाई भी चल रही है। अगली सूचना निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एससी से। मित्रों अब 2 चरणों में होगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों और निगमों में यू ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा। आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग से यह कार्यक्रम जारी कर दिया गया। इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी, बार बार पंजीकरण कराने की समस्या से होगी मुक्ति। तो इस तरह से यह एक अच्छी खबर होगी। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को आयोग की प्रत्येक परीक्षा के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। तो यह एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि जो पिट की परीक्षा है वह जल्द ही होने वाली है। कारण है कि उन्हीं सब के कारण लेखपाल आदि जो यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्तियां हैं वो सभी रुकी हैं और उम्मीद है कि इसकी परीक्षा होने के बाद से पिट की परीक्षा होने के बाद से ही आगे का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा गया है, आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इस व्यवस्था को लागू करने पर आयोग को भर्ती प्रक्रिया तेज करने में मदद मिल सकेगी। किसी भी परीक्षा के लिए जो भी है अभ्यर्थी को जो संख्या देखते हुए उनकी स्क्रीनिंग के लिए सामूहिक परीक्षा आयोजित कराया जाएगा, जिसे पीईटी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थियों को ही आगे यह चयन बोर्ड चयनित करेगा। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। 3 महीने में 4 मुख्य परीक्षाएं कराएगा आयोग। चारों परीक्षाओं के तहत कुल 934 पदों पर की जानी है भर्तियां। कई अभ्यर्थी चारों परीक्षाओं में भी हो रहे हैं शामिल। तो ये जो अभ्यर्थी हैं जो कि चारों परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उनको अत्यधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। कारण है कि चारों परीक्षाओं के थोड़े बहुत पैटर्न में अंतर आ जा रहा है, कुछ में तो बहुत अंतर है। इस कारण सभी चीज़ों की तैयारी करना उनके लिए एक कठिन कार्य हो गया है, तो वो लगे रहें। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग अगले 3 महीने में 4 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कराने जा रहा है। इन परीक्षाओं के तहत 934 पदों पर भर्ती की जानी है, जिनका अंतिम चयन परिणाम अगले साल यानी 2021 में जारी होगा। इसमें 2 परीक्षाएं दिसंबर, तीसरी अगले साल जनवरी और 1 परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी 1 परीक्षा हो गई, दूसरी आर ओ की परीक्षा हो गई जो मुख्य परीक्षा के रूप में है। तो इन सारी परीक्षाओं को लिया जाए तो कुल 4 परीक्षाएं जो है आयोग कराने जा रहा है। अगली सूचना निकल के आ रही है, एसएससी ने CISF 2018 की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी। चयन आयोग की ओर से हुई CISF 2018 की परीक्षा की द्वितीय पेपर की उत्तर कुंजी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 1 महीने तक रहेगी। वेबसाइट पर जाकर के उत्तर कुंजी प्रिंट कर लें और उत्तर कुंजी 19 दिसंबर शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी।